गाइस कैसे हैं आप लोग, नया भारत चैनल में आपका स्वागत है। और फिर से हम शूट पे निकल चुके हैं और आज जो शूट है वो भोजपुरी गाने का शूट है और किस सेक्टर का है ये अभी पता नहीं चला है। और फार्म हाउस में जा रहे हैं, फार्म हाउस में जाने के बाद वहाँ पे पता चलेगा किसका शूट है। और इस समय हम निकल चुके हैं, हमारा जो लोकेशन का टाइमिंग है डेढ़ घंटे का टाइमिंग दिखा रहा है। और जिस समय हम लोग निकले हैं तो इस समय थोड़ा सा जाम भी मिल सकता है। और यहाँ पे गाड़ी में बैठ चुके हैं, सारा सामान रेडी है और हम लोग निकल चुके हैं। और वहाँ जाने के बाद आपको दिखाते हैं किस एक्टर का गाने का शूट है। और बने रहे गाइस हमारे ब्लॉग में, और हमारा ब्लॉग का नाम है नया भारत चैनल, को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपको दिखाते रहेंगे, बताते भी रहेंगे। तो देख सकते हैं गाइस, और इस समय हम निकल चुके हैं तो थोड़ा बहुत जाम मिलेगा क्योंकि समय दूसरा हो चुका है। और आज सैटरडे भी है तो लोग बाग जल्दी आज छुट्टी होगा क्योंकि कल संडे है, तो थोड़ा सा जाम मिलेगा। तो हमको लग रहा है डेढ़ से दो घंटा तो ऑलमोस्ट लगेगा ही लगेगा। तो बने रहे गाइस हमारे ब्लॉग में, और छोटा छोटा ब्लॉग में बनाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ और बताता हूँ। और आगे क्या मैं बताऊँ, आगे आप देख ही रहे हैं। तो गाइस एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, कल दिल्ली में 24 घंटा से कंटिन्यू बारिश हुआ है, तो आज जो धूप हुआ है बहुत टाइट धूप हुआ है, तो बहुत तगड़ा धूप हुआ है और थोड़ा सा गर्मी भी लग रहा है। क्या हृदय जी, तो हमारे जसवंत जी आज गाड़ी चला रहे हैं और लेके जा रहे हैं। तो जसवंत जी एक चीज़ बताइए, दिल्ली में आज गर्मी कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है? 24 घंटा बारिश होने के बावजूद भी पसीना निकल रहा है, और 24 घंटा जो बारिश हुआ उसमें ये लग रहा था कि मतलब पंखा बंद करके कंबल ओढ़ करके मैं खुद सोया था, चादर ओढ़ के मैं दूसरे क्या कहूँ, पंखा बंद करके सोना पड़ा था, ये कंडीशन था। मगर आज धूप थोड़ा सा तेज हुआ है और गर्मी हो रहा है। हैं अब जाम मिलना चालू हो चुका है, तो आगे बहुत भयंकर जाम लगा हुआ है और गाड़ी हमारी भी रुक गई, अब जाम लगा हुआ है क्योंकि आप तो समझ रहे हैं। और हमारे ये दादा जो हैं हमारे खैनी रगड़ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, आर्या गोल्ड खा रहे हैं, आर्या गोल्ड। और सबको सलाह देते हैं कि मत खाया करिए, अपने खा रहे हैं। बने रहे गाइस, छोटा छोटा ब्लॉग है। 24 घंटा दिल्ली में बारिश हुआ है और फिर बारिश होने लगा। ये पंजाबी बाग हम लोग आए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बारिश मिल गया है और बारिश हो रहा है। और हमको लगा तो बारिश नहीं होगा मगर उमस था इसके वजह से यहाँ बारिश मिला है, उधर कहीं बारिश नहीं मिला। साउथ एक्स वगैरह, लाजपत नगर वगैरह में कहीं बारिश नहीं है, पंजाबी बाग साइड में बारिश हो रहा है, दबा के बारिश हो रहा है। हम लोकेशन पर पहुँच चुके हैं और हमारा लोकेशन जो है अभी रेडी हो रहा है, अभी कुछ समय लगेगा। अगोस फार्म हाउस है ये, तो ये दादा सेटिंग दादा वगैरह अभी रेडी कर रहे हैं पूरा सेटअप। आप देख सकते हैं ये फूल वगैरह जो भी है XYZ, और यहाँ पे बहुत अच्छा लोकेशन है। तो ज़्यादा कुछ बोलते हुए नहीं, ब्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारा कैमरा रेडी हो रहा है, ये जिमी जीप है, पीछे ट्रैक्टर भी आ गया है, धीरे धीरे लाइटिंग भी हो रहा है। सेटिंग दादा अपना काम पूरा कर चुके हैं और धीरे धीरे लाइटिंग भी हो ही रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिमी जीप यहाँ पे सेट कर। तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो कैमरा है FX6 बॉडी है, सिग्मा सनी लेंस है, ये जिमी जीप के ऊपर लगा हुआ है, ये जिमी जीप के नीचे जो है ट्रैक बिछाया गया है क्योंकि इससे क्या होगा, स्मूथ शॉट आता है। और पीछे अपना ट्रैक्टर लगा हुआ है, लाइटिंग हम काम कर रहे हैं और कंटिन्यू। और हमारा कैमरा जो है जिमी जीप पे लग चुका है, थोड़ी देर में हम फोकस करेंगे। और लाइट वगैरह सब रेडी हो चुका है और यहाँ पे अंकित भाई पूरा मस्ती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सारा सेटअप रेडी हो चुका था, आप लोगों ने देखा था। और इस समय क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है। तो इसमें अभी देख ही सकते हैं, जिमी जीप लगा है, स्कीमर लगा है और लाइट दादा वगैरह बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपना सारा सामान लेके भाग रहे हैं अंदर। और हम लोगों भी अंदर आ चुके हैं अपना सारा सामान वगैरह लेके, और ज़्यादा कुछ बोलते हुए नहीं। और ये मेरा विकास भाई है और इसके बारे में क्या बोलूँ, ये ज़्यादा उधर। तो यहाँ हो रहा है गणेश पूजा, सारे लोग गणेश पूजा में मसरूख हैं, सब लोग गणेश पूजा कर रहे हैं, झूम झूम के हो रहा है। और इसके बाद अब शॉट चालू होगा। तो बारिश ख़त्म हो गया है, फिर से दोबारा सेट लगा है, तो यहाँ गणेश पूजा हो रहा है, कैमरा भी रेडी। तो दरअसल मैं गया था फोकस फूलिंग करने के लिए, तो फोकस कर ही रहा था, तो शूट करते करते 5:30 सुबह मॉर्निंग हो गया है
और यहाँ पे अभी भी शूट चल ही रहा है और इसको बहुत जल्द ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूटी फिर मैच नहीं करेगा। तो भोजपुरी के सेट पे अक्सर यही होता है। रात को खाना मिला था 2 बजे के करीब में, तो खाना ठीक था मगर वही है, भोजपुरी में आप कभी भी शूट करेंगे तो 2 बजे 2:30 बजे वो फिक्स है, खाना उतने ही बजे मिलता है। तो शॉट रेडी है, रितेश भैया अपने मोबाइल में देख रहे हैं, ये हमारा लाइट लगा हुआ है, इसकी उम्र 10x10 का ग्रिड लग गया। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, नया भारत चैनल में आपका स्वागत है और इस समय हम पहुंच चुके हैं जहांगीरपुरी और कुछ खास काफ़ी दिनों के बाद, मतलब 5-6 साल के बाद अपने मामा से मिलने आ गया था जहांगीरपुरी। और मिलने के बाद रात भर शूट किया है और शूट करने के बाद नींद नहीं लग रहा है प्रॉपर। तो नींद इसलिए नहीं लग रहा है, जैसे जगह चेंज होता है तो इसके वजह से प्रॉपर नींद आ नहीं रही है। तो अब थोड़े देर में जब नींद आएगी तो फिर मैं सोच ही रहा हूँ कि खाना वाना खा के निकल ही जाता हूँ, आराम से घर पे सोने का मज़ा ही कुछ अलग ही है। तो बने रहे गाइस, और भी कुछ दिखाते हैं आपको।